उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौशाला खुलवाकर आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने के आदेश दिए हैं, मगर अब प्राइवेट कंपनी अपने प्रोजेक्ट शहरों में लाकर गाय अशोक का दूध बढ़ाने के लिए जुट गई है। ताजा मामला बुलंदशहर के सियाना का है, जहां सांसद भोला सिंह और सियाना विधायक प्राइवेट कंपनी का उद्घाटन किया। बुलंदशहर के सियाना इलाके में सांसद भोला सिंह और विधायक सियाना देवेंद्र सिंह लोधी ने प्राइवेट कंपनी पशु आहार का उद्घाटन किया है। पशु आहार खाने से पशुओं का लगातार दूध बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, जिसके कारण लोग आवारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। जब पशु दूध देते रहेंगे तो उनको सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। वह इस मामले में सांसद भोला सिंह ने बताया कि आज हमने सियाना इलाके में पशु आहार कंपनी का उद्घाटन किया है। लोकसभा क्षेत्र के सियाना में एक पशु आहार और एक पौष्टिक पशु आहार, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य को भी और जो दूध देने वाले पशु उनको दूध में भी वृद्धि होगी, इस आहार प्लांट की शुरुआत यहाँ पर की है। तो निश्चित ही इस क्षेत्र के किसान जो पशुपालन करते हैं उसको, क्योंकि डायरेक्ट उनकी सप्लाई उससे रहेगी तो रेट में भी इजाफा रहेगा, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी होगी, तो उस क्वालिटी से पशु का स्वास्थ्य और दूध में भी वृद्धि होगी। जल एवं में पशु यह खाएंगे और उनका दूध बढ़ेगा, साथ ही साथ किसानों में उत्साह रहेगा, क्योंकि दूध बंद होते ही किसान पशुओं को छोड़ देते हैं, इसलिए कंपनी का उद्घाटन किया गया है। वहीं सियाना विधायक देवेंद्र लोधी ने भी बताया कि हम लोग अपने क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु हैं उनके लिए पशु आहार गौशाला में भिजवाया जाएगा। जैसा कि सांसद जी ने कहा कि नंदा का यहाँ उद्घाटन सांसद जी के कर कमरों द्वारा हुआ है, आप देखें देश में आज एक पॉजिटिविटी की एक लहर चल रही है, हर व्यक्ति कुछ अच्छा करने की तमन्ना रखता है। हमने भी कुछ ऐसा ही संकल्प लिया था आज से 1989 में, जब आनंदा का जन्म हुआ और एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमने इंसानों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, आज गांव से लेके शहर तक एक प्रोडक्ट की पहुंच की हमने, आज कस्टमर की रीच में जा कर के अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, लोगों को रोज़गार मिला। उसी प्रकार से नंदा एक जो पशु आहार है, आज उसका जन्म हुआ है, सांसद जी के हाथों से स्टार्ट हुआ, आज विधायक जी ने इसमें चरण डाले, और मैं वही चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से नंदा का जो जन्म हुआ है वो भी गांव-गांव में किसानों तक पहुंचे, किसानों की खुशहाली आए, और जो किसानों की आय दुगनी करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें हम मिलकर के किसान के साथ मिलकर के हम काम करें, और इस मुहिम में मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का सहयोग मिले। सियाना इलाके में भी कई गौशाला खोली गई हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।